करुणामय माँ आश्रम कांगड़ा में आज गुरु पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह आश्रम के संचालक विमलानंद जी महाराज की देखरेख में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके उपरांत विशाल भंडारे भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बच्चन सिंह राणा विशेष रूप से उपस्थित हुए। विमलानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को गुरु महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि गुरु की पूजा से पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। संतों के सत्संग में रहना अथवा संतों की संगत में रहना यह स्थूल संगत का उत्तम प्रकार है, क्योंकि संत ईश्वर के सगुण रूप होते हैं। हमारे बीच में है क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो जो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरु उस समान माना गया हमारे शास्त्रों में भी, और आम जिंदगी जो दिनचर्या है उसमें भी जो हमारे गाइड हैं, हमारे गुरु हैं। इसी प्रकार गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। शास्त्रों में जाओ या आप सनातनी परंपरा के अनुसार, धर्मों के अनुसार, या वैसे आओ हमारे रोज जीवन में, तो हमारा जो गाइड करता है वो हमारे लिए गुरु है, और गृहस्थ के लिए। और स्वामी जी ने जिस तरह से यहाँ कांगड़ा में जो काम किया है, और आसपास में भी स्वामी जी का एक आरएसएस से जुड़े हुए थे स्वामी जी बचपन से ही हिंदुस्तान के लिए, और परंपरागत इन्होंने सनातनी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। जो मैं जानता हूँ कि आज से अनादि काल से वेद व्यास के जो हमारे आदि अनादि गुरु हुए हैं दत्तात्रेय जी महाराज, तब से ये गुरु पूर्णिमा शुरू होता है। जैसे कि महाभारत, वेद इत्यादि की रचना वेद व्यास जी ने की, मगर जो हमारे सन्यासियों का जो परंपरा है, अत्रि ऋषि का पुत्र दत्तात्रेय जी, जिनकी माता का नाम अनसुईया था, और वहीं से जो है ये गुरु परंपरा शुरू हुए। और जो वास्तव में हृदय से गुरु को मानता है उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, मगर कि गुरु होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे समाज में विडम्बना है, क्या कुछ देते हैं होता कुछ नहीं। तो हम तो यही संतों को भी और समाज को भी कि जितना हो सके अपनी भक्ति करें, साधना करें, और मन को कंट्रोल में करके अपनी साधना करें, तो माता जगदम्बा और गुरुदेव के आशीर्वाद से अवश्य कार्य पूरी होती। जिस भी कामना से इंसान करता है तो सच्ची लगन और सच्ची भक्ति से जब करता है तो उसका कार्य सिद्ध होता है। एनस्टार न्यूज़ के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।